नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बालक और राम के शब्द रूप का रीड करूंगा। अकारांत पुल्लिंग, बालक शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग में आते हैं। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, रो फार्म में, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कॉलम फॉर्म में है। तो आप कैसे पढ़ेंगे बालक, एक वचन, प्रथमा, बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकेव, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। प्रथमा में, एक वचन में बालका, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालका, द्वितीया में बालकम, बालको, बालकान, तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकै, चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेषु, संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अगर आपने बालक का रूप याद कर लिया शब्द रूप, तो आपको राम का शब्द रूप ऐसे ही सेम रहेगा, वो आसानी। लेकिन एक आप अच्छे से कंठस्थ करें तो ही आप दूसरा आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राम का शब्द रूप, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे प्रथमा में एक वचन रामा, द्विवचन रामो, बहुवचन रामा। द्वितीया में एक वचन रामम, द्विवचन रामो, बहुवचन रामान। तृतीया में रामेण, एक वचन, द्विवचन रामाभ्याम, बहुवचन रामाय। चतुर्थी में रामाय, द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामेभ्य। पंचमी में एक वचन में रामात, द्विवचन में रामाभ्याम, तीन वचन में रामेभ्य। ऐसे षष्ठी में आप एक वचन में रामश, द्विवचन में रामयो, बहुवचन में रामाणाम। सप्तमी में रामे, द्विवचन में रामयो, बहुवचन में रामेषु। संबोधन में हे राम, द्विवचन में हे रामो, बहुवचन में हे रामा। जब याद करेंगे आप, तो आप जल्दी जल्दी इसको रिपीट करेंगे कई बार, तो आपको याद हो जाएगा कि रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामाय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे राम, हे रामो, हे रामा। ये भी अकारांत पुल्लिंग में आते हैं, राम शब्द रूप। और आपने पहला जो शब्द रूप देखा वो बालक का देखा। आप कहीं भी संस्कृत सीखना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको शब्द रूप जरूर याद करने पड़ेंगे, बालक है, राम है, पिता है, और फिर आप इनका वाक्यों पे ठीक से उपयोग कर सकेंगे। बिना शब्द रूप के आप वाक्य बनाने में असमर्थ रहेंगे, या आप करेक्ट वाक्य नहीं बना सकते हैं। जब तक आपको सबके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन फॉर्म पता नहीं होंगे, और उसके साथ साथ इसको समझना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत एक बार आपको अगर व्याकरण कंठस्थ हो गया, तो सेंटेंस बनाना, पढ़ना और उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे संस्कृत के वीडियोस हैं, आप वन बाय वन जा सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट में इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप सारे वीडियो वन बाय वन करके देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए, दबाना मत भूलिए,
जैसे कि आपको ईमेल नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।